चले भाई, ये बजे जा रहे हैं स्कूल, इनको मैं रेडी कर रही थी। ये अब घर से स्कूल चलेंगे तो आज तो मेरा बड़ा बिजी डे आ गया, आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ गई हैं। यहाँ पर फिर 10 बज रहे थे तो मैंने कहा साथ ही फटाफट खाना बना के फ्री हो जाऊँ। आलू बैंगन बनाए और साथ वाइट चावल बना लिए, क्योंकि बच्चों को भी बड़े पसंद हैं और मुझे तो पसंद है ही हैं भाई, तो बच्चे भी बड़े खुश होकर खा लेते हैं। बस फिर खाना भी रेडी हो गया, बच्चे आ गए थे, उसके बाद उन्होंने खाना छाना खाया और वो टीचर के पास बैठ गए और मैंने बनाई चाय, क्योंकि आज तो चाय की बड़ी ज़रूरत है। उसका पिया बड़ा कप, क्योंकि आज मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने थे और गर्मियों के रखने थे। और यहाँ पर देखें, कुछ ना पूछें जो हाल हुआ भाई, ऊपर से आपको पता है जो ये ऊपर वाले कैबिनेट्स होते हैं ना अलमारियों के, इनके ऊपर चढ़ चढ़ के चीज़ें रखना निकालना बड़ा काम होता है। वैसे तो मैंने मेड साथ लगा ली थी, लेकिन खुद भी ना करवाओ तो बैठ के तो कुछ भी नहीं होता भाई। और वो मेरा सारा काम समेट के इस रूम में, बच्चों के रूम में आई, बच्चों का सारा समेटा, अपना तो मैंने क्लिप बना लिया था, बच्चों का भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बोझ जो उतर गया और सर्दियों का सारा क्लियर हो गया। और ये जो वीडियो है ये मेरी अम्मी मुझे बैठ रही हैं स्वात में भेज के, यानी वो के पी के खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई हैं अपनी अम्मी की तरफ, यानी वो मेरी जो शायद आप लोगों को नहीं पता, मेरा जो नानका है ना, नानी वाला साइड, वो सारा स्वात का है। तो वो वहाँ गई हुई थी अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर तंदूर में रोटी लग रही थी तो मुझे दिखा रही थी भाई वहाँ की क्या ही बातें हैं। और सोने पर सुहागा आज ये हुआ कि आज हमें बैठे बैठे पता चला कि इनके बाबा के दोस्त जो है ना सऊदीया से आ गए हैं, तो वो हमारे लिए अलबेक ले आए थे। उफ, मेरा बेटा तो कसम से कमला ही गया। हम खुद ही, हमारे भी रिएक्शन यही थे, क्योंकि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सऊदीया से आते हुए ना बस अलबेक या ब्रोस्ट चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कहते हैं हमें इसके टेस्ट की समझ नहीं आती, भाई हमारे लिए तो वन और एंड यही है, ना इससे ऊपर कोई, ना इससे बात कोई। और बड़ी बात है कि कोई आपके लिए वापसी लेकर आए, इतना कोई करीबी भी नहीं था लेकिन इनका फ्रेंड था, तो अचानक ही उसने कहा कि जी मैं आपके लिए अलबेक लेके आया हूँ। तो यकीन करें हम तो ऐसे थे जैसे पता नहीं हमारे लिए क्या आ गया। और कसम से जितनी मैं थकी हुई थी ना, तो जब मैं सोच ही रही थी कि क्या खाना है और बच्चों को भी पूछ रही थी कि बच्चों क्या खाना है, कुछ मंगवा लेती हैं ये खा लेती हैं, तो ऊपर से इसकी कॉल आ जाए, तो ओए होए होए क्या ही हमारे कमाल रिएक्शंस थे। और ये वो टिश्यू जिसको वहाँ पे तो हम पूछते नहीं, इतने एक्स्ट्रा होते हैं कि फेंक रहे होते हैं, और यहाँ पर इसको भी मेरा फेंकने को दिल नहीं किया। मैं कह नहीं भाई इसको भी हम दिखाएँगे। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।